मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की नगरी में आज इतिहास रचा जाएगा। अयोध्या में आज ऐसी दिवाली मनाई जाएगी जिसे देखकर आप त्रेता युग की दिवाली की कल्पना कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अयोध्या में श्रीराम का राज्याभिषेक होगा, रामलीला का मंचन भी होगा और दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीराम की नगरी अयोध्या पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या में कुल 21 द्वार बनाए गए हैं। इन सभी द्वारों में प्रभु श्री राम से जुड़े प्रसंगों की पेंटिंग भी बनाई गई है। पीएम मोदी सरयू के कुल 36 घाटों में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सरयू के घाटों पर 18 लाख दिए जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी में इस बार 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। इन दीपों की सजावट में करीब 22,000 वॉलंटियर्स लगे रहे। बाकी के 3 लाख दियों से अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों को रोशन किया जाएगा। हम अयोध्या में राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और राम की पैड़ी पर ये घाट संख्या 10 है जहां पर दिए लगाए गए हैं लगभग 85,000 की संख्या में। लेकिन इस घाट की विशेषता ये है कि यहां पर एक राम मंदिर का मॉडल दियों के माध्यम से बनाया गया है। जिस तरह का राम मंदिर बनकर तैयार होगा कुछ वैसा ही यहां पर एक मॉडल बनाया गया है दियों के माध्यम से। दीपोत्सव के दिन जब दिए यहां पर जलाए जाएंगे तो वो मॉडल रोशनी से जगमग दिखाई देगा। इससे पहले पीएम मोदी रामलला का दर्शन करेंगे, उसके बाद सरयू नदी के नए घाट पर आरती में भाग लेंगे। सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी में 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी होगा। अयोध्या में सरयू तट पर मां सरयू की आरती चल रही है और भारी संख्या में आप देखिए यहां श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं जो मां सरयू की आरती में शामिल हो रहे हैं। दीपोत्सव की पूर्व संध्या से पहले आप तस्वीर देखिए, जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको यहां लोग दिखाई देंगे जो इस आरती में शामिल हुए हैं। क्योंकि दीपोत्सव के दिन जब प्रधानमंत्री मोदी यहां मौजूद रहेंगे सिर्फ पास धारकों को ही उतने समय तक एंट्री मिलेगी, लेकिन उसके बाद ये फिर यहां पहुंच सकते हैं। अयोध्या में जो द्वार तैयार किए गए हैं उन सभी द्वारों को रामायण के आधार पर नाम दिया गया है। प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भव्य तरीके से किया है। विशाल पांडे, सी मीडिया, अयोध्या।